श्री राम, आज बात करने जा रही हूँ हाउस न्यूमरोलॉजी के ऊपर, यानी कि आपके घर का नंबर आपके लिए कैसा रहेगा, आपके घर का नंबर आपके लिए लकी है या नहीं। आप ऑलरेडी जिस घर में रह रहे हैं उस घर के नंबर की या उस फ्लैट के नंबर की वाइब्रेशन आपके ऊपर कैसा असर डाल रही है। तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगी कि हम अपने घर के नंबर का टोटल, वो इम्पोर्टेंट नंबर जिसकी वाइब्रेशन हमारे पूरे घर को इफेक्ट दे रही है, वो कैसे निकालें। 1 से लेके 9 तक के बीच में यदि वो नंबर आ जाता है तो 1 नंबर में रहने वाले लोग, यानी कि जिनका हाउस नंबर 1 है वो कैसे होते हैं, हाउस नंबर 2 पे रहने वाले लोगों को क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, कैसा उनका बिहेवियर होगा, वो करियर में सक्सेस चाहते हैं तो क्या करें, अपने प्रोफेशन के हिसाब से अपने लकी जो नंबर्स है, हाउस नंबर है, वो कैसे हम चूज करें, ये सारे विषय में आपके साथ चर्चा करने जा रही हूँ। तो जुड़े रहिए। सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ब्लेस विद सेल्फ में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने घर का नंबर कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने घर के नंबर को अपने नोटपैड पे लिख लीजिए। सपोज एग्जांपल मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, सपोज मेरे घर का नंबर है A101, तो मैं 1 + 0 + 1 करती हूँ तो 2 आ जाता है। पर क्या आप जानते हो, अक्सर लोग ये गलतियां कर देते हैं, वो अल्फाबेट को ऐड करना भूल जाते हैं। अब आप कहेंगे कि अल्फाबेट को कैसे ऐड करें, तो देखो हर एक अल्फाबेट के साथ में एक नंबर जुड़ा हुआ है। तो जल्दी से आप इस टेबल को देख लीजिए, और इस टेबल को अगर आप देख रहे हैं तो अपने घर का नंबर आप आसानी से ऐड कर सकते हैं। कैसे करेंगे ऐड, तो देखिए सपोज मेरे घर का नंबर A101 है, तो A की वैल्यू इस टेबल से कितनी आई है, 1। तो मैं अपने घर का नंबर कैसे निकालूंगी, A101, यानी कि 1 + 1 + 0 + 1 जो हो जाता है नंबर 3। अगर किसी के घर का नंबर B101 हो जाता है तो B की वैल्यू वहां पे वो लेगा 2, और वो ऐड करेगा 2 + 1 + 0 + 1। तो इसी तरह से प्लीज आप अपना घर का नंबर निकालिए और मुझे जल्दी से मैसेज कर दीजिए अपने घर का नंबर। यदि आपके घर का टोटल नंबर 3 पे आ जाता है तो आप बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव हैं, इमेजिनेटिव हैं, पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं, हमेशा लोगों को वेलकम करेंगे, उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे आप, और साथ ही साथ में आप स्पिरिचुअल नेचर, मतलब इन लोगों के घर में ना कुछ पूजा पाठ होता हुआ अक्सर आपको दिखाई देगा, और ये लोग भी आध्यात्म में अपनी विशेष रुचि रखते हुए आपको दिखेंगे। ये लोग हमेशा पॉजिटिव अप्रोच से भरे हुए होते हैं, इनके पास नॉलेज विजडम बहुत अच्छा रहता है, और इस घर में रहने वालों का एक कहेंगे कि प्लस फैक्टर कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। साथ ही साथ में इन घर में रहने वाले लोगों का यदि मूलांक या भाग्यांक नंबर 4 या नंबर 7 पे आ जाता है तो इन लोगों को ये घर अवॉइड करना चाहिए, ये उन्हें सूट नहीं करेगा। यदि आप अपनी फैमिली के ब्रेडविनर हैं, यानी कि मेन इनकम के सोर्स हैं, और आप नंबर 3 के घर में रहते हैं और आपका मूलांक या 4 आता है, या आपका भाग्यांक 4 आता है, या आपका मूलांक या भाग्यांक नंबर 7 आ जाता है, तो इस तरह का घर आपको नहीं फलेगा। अब कौन से प्रोफेशंस को ये घर दिखाता है, अगर आप एक टीचर हैं, आप एक कम्युनिकेटर हैं, आप एक राइटर हैं, या किसी तरह से भी आप ऐसे फील्ड से जुड़े हुए हैं जहां कम्युनिकेशन का बहुत ही ज्यादा यूज होता है, जैसे टीचिंग कैन नॉट रन विदाउट द कम्युनिकेशन, आप एक यूट्यूबर हैं, एक काउंसलर है, आपका काम ही है बोल, मतलब आपकी इनकम जो जनरेट हो रही है ना वो बोल के हो रही है, जैसे काउंसलिंग का काम है। आप जैसे सेल्समैन को देख लीजिए, जब तक बोलेगा नहीं तो वो तब तक बेच नहीं पाएगा। जुडिशरी से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको ये घर में रहना चाहिए, उनके लिए ये नंबर 3 का घर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है। अब नंबर 4 और 7 मूलांक और भाग्यांक वालों को ये घर हमेशा अवॉइड करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे नंबर की तरफ, वो है नंबर 4। ये नंबर 4 का ये घर उन लोगों को सूट करेगा जो किसी भी तरह से इंजीनियरिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, या आपके साइंटिस्ट हैं, या कोई भी ऐसा रिसर्च के काम से एसोसिएटेड हैं, वो लोग जो एनिमेशन की दुनिया में हैं, कंप्यूटर वर्ड्स की दुनिया में बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और ये लोग जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, उन लोगों के लिए भी नंबर 4 का घर काफी अच्छा रहता है। आगे बढ़ते हैं कि किन मूलांक और भाग्यांक वालों को नंबर 4 का घर अवॉइड करना चाहिए। देखिए आपका यदि मूलांक और भाग्यांक नंबर 3 पे आ जाता है, या आपका मूलांक और भाग्यांक नंबर 8 पे निकल आता है, तो आपको जनरली इस तरह का घर नहीं लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अपने अगले नंबर की तरफ, यदि आपका हाउस नंबर नंबर 5 आ जाता है तो किन लोगों को ये घर सूट करेगा, इस घर में रहने वाले लोगों का व्यवहार कैसा रहेगा, और कौन से मूलांक और भाग्यांक वालों को ये नंबर का घर अवॉइड करना चाहिए। अब इस घर में रहने वाले लोग
अब नंबर फाइव के घर में रहने वाले लोग एक तरह के एंटरटेनर होते हैं, ट्रैवल बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इनके घर से अक्सर आप पार्टी म्यूजिक या लाउड वॉल्यूम का म्यूजिक आप सुन सकते हैं। बहुत ज्यादा वर्सेटाइल नेचर होने के साथ साथ एडवेंचर लवर होते हैं, अपनी फ्रीडम को पसंद करने वाले लोग होते हैं। और आप देखेंगे कि इन घर में रहने वाले लोगों का कम्युनिकेशन स्किल्स गॉड गिफ्टेड काफी अच्छा हो जाता है। स्पेशली उस घर के ब्रेड विनर का कम्युनिकेशन आप देख लीजिए, और ये लोग अच्छे ऑरेटर हो सकते हैं, बहुत ज्यादा क्लेवर हो जाते हैं, सोशल एक्टिविटी में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं ये लोग, पैशनेट होते हैं किसी काम को लेके। बट इस घर के लोगों में एक ड्रॉबैक जरूर देखने को मिलेगा, थोड़े बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं चीजों को लेके। और ये घर किन प्रोफेशन वालों को बहुत ज्यादा सूट करेगा? सबसे पहले एडिटिंग का प्रोफेशन, राइटिंग का प्रोफेशन में आप हैं, आप किसी भी तरह से ऐसे बिजनेस से जुड़े हुए हैं, सेल्स मार्केटिंग, जहां आपका काम ही है कि आप बोल के प्रेजेंटेशन देके आपकी इनकम जनरेट हो रही है, तो उनके लिए भी ये अच्छा रहेगा। जर्नलिस्ट के लिए बहुत अच्छा रहता है, एस्ट्रोलॉजर के लिए बहुत अच्छा रहता है, किसी भी काउंसलर के लिए भी ये घर अच्छा रहता है। और साथ में आप देखेंगे कि जो हमारे मैथमेटिक्स फील्ड से जुड़े हुए हैं या जो अपनी इंडिविजुअल कोचिंग चला रहे हैं, तो उनके लिए भी ये नंबर फाइव का घर बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। अब ये हो गई प्रोफेशन की बात, अब किन लोगों को नंबर फाइव का घर अवॉइड करना चाहिए? यदि आपका मूलांक या भाग्यांक नंबर टू पे आ जाता है तो आपको इस तरह के घर को अवॉइड करना चाहिए, यानी कि जिन घर का टोटल नंबर फाइव में आ जाता है तो वो घर आपके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं रहेगा। आगे बात करते हैं अपने अगले नंबर, नंबर सिक्स। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। आगे बढ़ाती हूँ आपको नंबर नंबर सिक्स के बारे में। ये आगे बढ़ते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर, नंबर सिक्स के बारे में। यदि आपने अपने घर का टोटल निकाल लिया है और वो नंबर सिक्स पे आता है तो आपकी क्वालिटीज कैसी होंगी उस घर में रहने वाले लोगों की, कौन से मूलांक या भाग्यांक वालों को ये घर अवॉइड करना चाहिए, और कौन से ऐसे प्रोफेशन हैं जो आप करते हैं और आपको ये घर उसमें मदद कर सकता है, कौन से प्रोफेशन वालों को ये घर बहुत ज्यादा सूट करेगा, सारे विषय में चर्चा करने जा रही हूं। बट उससे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, देखिए शांति से बात को आप जरूर समझिएगा कि अगर ये आपका प्रोफेशन भी हो जाता है बट आपका मूलांक या भाग्यांक इस नंबर को सपोर्ट नहीं करता है तो भी आपको थोड़ी बहुत इस नंबर से प्रॉब्लम हो जाएगी। साथ साथ में अब देखो आपको मूलांक या भाग्यांक से कंपैटिबिलिटी इस नंबर की कैसे निकालनी है। आप ये मत देखो कि मैंने जो कंपैटिबिलिटी निकाली है सारे घर के लोगों के साथ में कंपैटिबिलिटी निकालू मैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट पॉसिबल टास्क बन जाएगा कि आप अपने बच्चे से भी, अपनी वाइफ से भी ये कंपैटिबिलिटी निकाल रहे हैं। देखिए जो आपके घर का ब्रेड विनर है, यानी कि आपके घर का जो मेन इनकम का सोर्स है ना, उसके मूलांक या भाग्यांक से आप इस नंबर की कंपैटिबिलिटी को जरूर देखिएगा। तो बढ़ते हैं नंबर सिक्स की तरफ। तो सिक्स इस घर में रहने वाले लोग बहुत ही ज्यादा आर्टिस्टिक होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, दूसरों की मदद के लिए हमेशा अपना हाथ बढ़ाते हैं, हार्मोनियस होता है इनका रिलेशनशिप, एक दूसरे के लिए बहुत ही ज्यादा केयर, लव और बहुत ट्रू फीलिंग इनमें होती है। पोलाइट होते हैं इस घर में रहने वाले लोग, एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे के लिए लॉयल होते हैं, अंडरस्टैंडिंग से भरे हुए होते हैं। इस घर में रहने वाले लोग अपने घर को भी आप देखेंगे ना बहुत ही सजा के रखना पसंद करते हैं, एक तरह के होम मेकर टाइप के जो लोग होते हैं उनके लिए भी ये घर काफी अच्छा होता है। और कौन से प्रोफेशन के लिए घर काफी अच्छा होता है, देखिए आप ज्वेलरी से जुड़े हुए हो, आप डांसर हो, आप डांस सिखाते हो, कोरियोग्राफर हो, आप म्यूजिक में अपना करियर बनाना चाहते हो, पेंटिंग वगैरह के जो फील्ड्स रहते हैं, आर्ट हो गया, किसी तरह का ड्रामा हो गया, और आर्किटेक्ट आप हैं, पेंटर आप हैं, आप किसी तरह से क्लोथ के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, आप इंटीरियर डेकोरेशन से जुड़े हुए हैं, आप डिजाइनिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो इस नंबर का घर आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। देखिए ये घर हमेशा अवॉइड करना चाहिए जिनका भी मूलांक और भाग्यांक नंबर वन पे आता है या नंबर टू पे आता है या उनका मूलांक और भाग्यांक नंबर सेवन पे आ जाता है। स्पेशली आपने मूलांक निकालना है अपने घर के ब्रेड विनर का, यानी कि अपने घर के मेन इनकम के सोर्स का। यदि आपके फादर कमाते हैं तो आप ये देखेंगे कि आप इस घर में रह रहे हैं नंबर सिक्स के, तो आपके फादर का मूलांक या भाग्यांक नंबर वन, नंबर टू या नंबर सेवन पे ना आए। अगले नंबर के ऊपर बात करते हैं। यदि आपके हाउस का नंबर नंबर सेवन पे आ जाता है, आपके घर के नंबर का टोटल नंबर सेवन पे आ जाता है तो ये आपको स्पिरिचुअल बना देता है, ऑकल्ट की दुनिया में ले जाता है, आपको कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट कर देता है, रेकी से कनेक्ट कर देता है। या आप इस घर में रहने वाले लोगों को बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल देखेंगे, फैक्ट ओरिएंटेड देखेंगे। ये घर में बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स तो मैं नहीं कहूंगी, बट इस घर में
यदि आपके घर का नंबर है नंबर 7, तो आपको अपनी पीस सबसे ज्यादा प्यारी है, बहुत ही ज्यादा पीस लविंग लोगों के लिए ये घर बहुत ज्यादा सुटेबल रहेगा। यहाँ आपको आइसोलेशन का मी टाइम बहुत ज्यादा पसंद आएगा। वो लोग जो यू नो सेज बनने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मॉन्क हैं, आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, जो लोग वर्ल्डली डिजायर को अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा नहीं पसंद करते, वर्ल्डली डिजायर्स जितनी भी हैं उनसे डिटेच्ड हैं, जैसे हमारे जैन छात्र हो गए, तो वो लोगों के लिए इस नंबर का घर में, यानी कि आपके घर के नंबर का टोटल यदि 7 पे आ जाता तो बहुत ज्यादा अच्छा रहता। और किन लोगों के लिए ये घर बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, देखिए, यदि आप फिलोसफी से जुड़े हुए हैं, आप मजिशियन हैं, आप सिनेमा से जुड़े हुए हैं, आप स्पिरिचुअल टीचिंग में हैं, आप एविएशन के फील्ड में हैं, आप ऑकल्ट साइंस की दुनिया से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं, एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट के बिजनेस से आप जुड़ना चाहते हैं और अपनी जिंदगी में पीस चाहते हैं, तो ये घर आपके लिए बहुत ही ज्यादा सुटेबल है। इस घर में रहने वाले लोगों को आप स्पिरिचुअल, रिलीजियस, फैक्टफुल बात करने वाला, एक दूसरे की चुगली करने वाला नहीं देखोगे। ये लोग हमेशा लॉजिक से बात करते हैं। और इस घर में रहने वाले लोगों के साथ में ड्रॉबैक ये आ जाता है कि जैसे अगर आप वर्ल्डली डिजायर चाहते हो अपनी लाइफ में, लव, लग्जरी, रोमांस, भर भर के मटेरियलिस्टिक चीजें चाहते हो, पैसा चाहते हो अपने जीवन में, तो आपके लिए ये नंबर का घर बहुत ज्यादा सुटेबल नहीं रहेगा। यदि आपका मूलांक या भाग्यांक नंबर 3 पे आ जाता है, नंबर 6 पे आ जाता है, नंबर 8 पे आ जाता है या नंबर 9 पे आ जाता है, तो ये घर आपको बहुत ज्यादा सूट नहीं करेगा, ठीक है। तो इस नंबर के घर को आपने अवॉइड करना है यदि आपका मूलांक इन दिए गए नंबर पे आ जाता है या आपका भाग्यांक इन दिए गए नंबर पे आ जाता है। फिर से मैं रिपीट करूंगी, मूलांक इन भाग्यांक सारे घर के लोगों के साथ में मिलाने लग जाओगे तो पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा कम हो जाएंगी अपने घर के ब्रेड विनर मेन इनकम के सोर्स के साथ में आप मिलाइएगा। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले प्लीज यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है आपके लिए, ये ऑकल्ट का ज्ञान मैं हर दिन शेयर करते रहती हूँ आपके साथ, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी फैमिली से जुड़ जाइए। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर्स की तरफ, वो है हमारा नंबर 8।